हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं स्पेशल और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम करना है अच्छी तरह से, और उसमें डालना है 1 चम्मच तेल और आधा चम्मच जीरा और 2-3 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद 3 हरी मिर्च और 1 प्याज डालना है छोटे साइज़ का, और प्याज को हल्का भून लेना है। उसके बाद 1 टमाटर डालना है। और इसमें हम उबला हुआ आलू डालेंगे। 250 ग्राम आलू है, उसको उबाल करके छिलके हटा लेना है और छोटा छोटा टुकड़ा बना लेना है आलू का। ज़्यादा बारीक टुकड़ा नहीं बनाना है इस तरह से। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और डालेंगे मसाला। मसाला में डाले हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच डाले हैं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका स्वाद और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच मैगी मसाला। अब इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए और आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हरी मिर्च का यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इस तरह से आलू को चलाते हुए 3 मिनट तक लगभग भुने हैं। तो मसाले से अच्छी खुशबू आ चुकी है। अब आलू को निकालेंगे प्लेट में। इसी कढ़ाई को यूज़ करेंगे। अब धोएंगे नहीं कढ़ाई को, क्योंकि गर्म है, फिर से गर्म नहीं करना पड़ेगा। तो कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। कोई भी तेल डाल के बनाया जा सकता है, लेकिन हम सरसों तेल में बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो आटा हमने गूंथ लिया है। इसी तरह से भरना है। इसे गोल चिपका जैसा आकार देना चाहे बना सकते हैं। सबको इसी तरह से भर लेना है और इसको तेल में तलना है। तेल गरम हो चुका है।
एक एक करके इसमें डालेंगे सबको। मीडियम फ्लेम पे बनाना है, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं बनाना है, तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे बनाने का फ़ायदा होता है कि एकदम क्रिस्पी बनता है। ये बहुत टेस्टी लगता है, इसे आलू का कचौड़ी भी बोल सकते हैं या फिर आलू वाला लिट्टी भी बोल सकते हैं। कहीं सफ़र में ले जाने के लिए अच्छा होता है या फिर लंच बॉक्स में देने के लिए भी अच्छा होता है, फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा है। जैसे ही अच्छी तरह से पकेगा ये फट जाएगा। ये लगभग तैयार हो चुका है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये तैयार है, अब इसे हम बाहर निकालेंगे। इसी तरह से बनाना है सबको। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं, हम इसे सॉस के साथ खाने वाले हैं। इसे चटनी के साथ भी खाया जा सकता है, धनिया की चटनी के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। ये बन के तैयार है हमारा क्रिस्पी टेस्टी आलू का कचौड़ी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।